हेलो डियर बैंकर्स, हेलो टू एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जेबी सीआईबी प्रेप। हम कर रहे हैं आपके सीएआईबी में पेपर नंबर 3 एबीएफएम तैयार, जहां मॉड्यूल बी का यूनिट 11 आज करने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे रिस्क को कैसे एडजस्ट करते हैं और अनसर्टेनिटी क्या रहती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक अच्छा चैप्टर है, आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी और नॉर्मल एप्लीकेशन या थ्योरी क्वेश्चन भी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कैपिटल बजटिंग में। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बात करी थी, कैपिटल बजटिंग में आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को परव्यू में रखते हैं। इसमें आप एस्टिमेट करते हैं कितना खर्चा होगा, कितने पैसे आप कमा लेंगे एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बट हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही रहता है। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, यहाँ होते हैं फैक्टर्स जैसे कि लैंड, लेबर, मटेरियल, प्लांट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपके खर्चे हैं, इसके अलावा पैसे आएंगे कहाँ से, आप रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे जो मार्केट के बिहेवियर पे, कॉम्पिटिशन में और कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कोविड जैसे कोई सिनेरियो तो नहीं आ गया है, तो कोई कोविड जैसे कोई सिनारियो तो नहीं आ गया है, ठीक है। अब इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स रिस्क कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट फ्लक्चुएट करता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं और फॉरन लॉज भी डिफरेंट होते हैं। ये फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है जब आप रिस्क को एनालाइज कर रहे होते हो, है ना। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे, रेवेन्यूज पे और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी। तो हमारे पास अलग अलग तरीके की रिस्क होती है कैपिटल बजटिंग में। सबसे पहले रिस्क है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, मतलब ये रिस्क जो है पर्टिकुलरली एक तरीके के प्रोजेक्ट से ही अटैच्ड है। जैसे मान लेते हैं कोई हजार्डस केमिकल है, जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी, वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो उस प्रोजेक्ट से, उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड है। ओके, देन मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में आपके इकोनॉमिक्स वाले जो IEA IFS अगर आप पढ़कर आए हैं JIB में, तो आपने वहां देखा है डिमांड, कॉम्पिटिशन और एक्सटर्नल पॉलिसीज मार्केट में जो प्रिवेल करती है, उसकी वजह से जो रिस्क हो सकती है। देन यू हैव कॉरपोरेट रिस्क। कॉरपोरेट रिस्क मतलब यहाँ पे वो वाले फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही हो, कोई टेक ओवर हो रहा हो, ऐसे फ्यूचर रिटेल बाय रिलायंस, इंडिगो एयरलाइंस, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क। तो हमारे पास ये 3 तरीके के रिस्क हैं कैपिटल बजटिंग में। इसके बारे में साफ साफ मैकमिलन में बात हो रखी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करेंगे। हो सकता है I'm in class, I'll talk to you. ओके, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ रिस्क पे बन जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अ प्लांट व्हिच इज प्लांट यूजिंग हजार्डस केमिकल में फेस शट डाउन ड्यू टू एनवायरमेंट वायलेशन। हो सकता है लॉ ऐसा आ जाए। कंपनी एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली फेस एक्सचेंज रेट रिस्क, कल्चरल मिसअलाइनमेंट, करेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका मार्केट रिस्क से आ जाता है, और फर्स्ट पॉइंट जो है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क से बिलोंग करता है। अब जैसे कि हमारे पास अनसर्टिनिटीज हैं, ठीक है, बट उसको कैसे केटर करेगी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो नहीं कि हाँ जो हो रहा है होने दो। यस, एंड फॉर दैट देयर आर सर्टेन एनालिसिस यूज्ड लाइक सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस। बाकी और एनालिसिस भी हैं, बट ये दो एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल इस चैप्टर से, तो मेजरली यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो मैं आपके साथ आज कवर करने वाली हूँ। सेंसिटिविटी एनालिसिस एवेल्युएट करता है कि कैसे, हाउ चेंजेस इन की वेरिएबल्स इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट्स NPV। मतलब जैसे मान लेते हैं सेल बढ़ गई, है ना, या फिर खर्चा बढ़ गया या खर्चा घट गया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके बिजनेस पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, चाहे वो NPV हो चाहे IRR। यस, NPV भी हम चाहते हैं ज्यादा हो, IRR हम चाहते हैं ज्यादा हो, करेक्ट है। दिस मेथड आइडेंटिफाइज द वल्नरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर खराब से खराब सिचुएशन होगी तो क्या हो जाएगा,
इससे डिसीजन मेकर्स को रिस्क मैनेज करने में आसानी रहती है। तो क्या स्टेप रहता है? सबसे पहले तो आप की वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो, जैसे कि खर्चा बढ़ेगा या घटेगा, सेल बढ़ेगी या घटेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी। अगर कॉस्ट बढ़ गई तो नेगेटिव सिनेरियो है, अगर कॉस्ट घट गई तो हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो है, अगर सेल्स बढ़ गई तो हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो है, सेल्स घट गई तो हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियो है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया तो हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियो है, वेरिएबल कॉस्ट घट गया तो हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो है, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियो है, फिक्स कॉस्ट घट गया तो हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो है ना। तो मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर हाउ चेंजेस इन वेरिएबल इम्पैक्ट एनपीवी। मतलब अगर लाइक मोस्ट लाइकली सिचुएशन है, पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव सिचुएशन है, ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में एनपीवी क्या रहेगा या आईआरआर क्या रहेगा। जनरली हम एनपीवी निकालते हैं यहाँ पे। फिर परफॉर्म एनालिसिस करो चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। एक बारी में एक ही को चेंज करो, सेल को चेंज करो तो सेल ही को चेंज करो, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करो तो वेरिएबल कॉस्ट ही को चेंज करो, सारे वेरिएबल इकट्ठे चेंज मत कर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई थी प्रोजेक्ट में 40 लाख की, 36 लाख पर ईयर सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है 24 लाख रुपये, फिक्स कॉस्ट है 2000 लाख रुपीज, 24,000, 36,000 ऐसे, डेप्रिसिएशन 4,000 लाख पर ईयर, 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये ऐसे करके आपने निकाल लिया कि मतलब इससे हमारे को समझ आ रहा है 10 साल प्रोजेक्ट की साल होएगा ना, लाइफ कितनी होएगी, लाइफ 10 ईयर्स होगी तभी तो 4 लाख, 40 लाख, 40,000 को 10 से डिवाइड किया होगा तभी तो 4,000 आया होगा ना डेप्रिसिएशन पर ईयर, करेक्ट। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,000 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,000 है, कैश फ्लो 8,000 है, ओके। एनपीवी दे रखा है 52,000 लाख, जब 12% की डिस्काउंट देंगे, ये तब जब चीजें लाइकली है। मान लेते हैं सिचुएशन खराब हो जाती है या सिचुएशन अच्छी हो जाती है, खराब को पेसिमिस्ट बोलेंगे, अच्छी को ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। तो आइए सिचुएशंस देखते हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट सिनेरियोस, ये तो एक्सपेक्टेड ही है, तो हमारे को दे ही रखा है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना, 40, 36, ये देखो ये तो सब दे ही रखा है, नथिंग न्यू, ओके। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे पता चली मुझे, अगर 36 लाख रुपए है तो कितनी सेल की होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल में देखी जाए तो 24 / 36 into 100 = 66.66। यस, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज है, ये करंटली है, करंटली ये सिचुएशन चल रही है। अगर नेगेटिव होती है तो ये हो जाएगा और पॉजिटिव होती है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव मतलब इन्वेस्टमेंट पहले 40,000 ना इन्वेस्टमेंट ही बढ़ा दिया तो ये नेगेटिव सिचुएशन होगी, इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो पॉजिटिव सिचुएशन होगी, सेल्स कम हो गई तो नेगेटिव सिचुएशन हो गई, सेल्स बढ़ गई तो पॉजिटिव सिचुएशन हो गई, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई तो नेगेटिव सिचुएशन हो गई, वेरिएबल कॉस्ट घट गई तो पॉजिटिव सिचुएशन हो गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो नेगेटिव सिचुएशन हो गई, फिक्स कॉस्ट घट गई तो पॉजिटिव सिचुएशन हो गई। तो एनपीवी कैसे निकालोगे, हाउ डू वी कैलकुलेट एनपीवी, हमने क्या बोला था, एनपीवी निकालने के लिए सिंपल तरीका है, जो भी आपका एनुअल कैश फ्लो है उसको जितने भी इयर्स हैं उसके डिस्काउंटिंग कर दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको हम एक पेज इंसर्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे क्या हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, गिव मी अ मोमेंट, सॉरी। तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं कि 40,000 हमारा इनफ्लो है, ओके okay? सॉरी इन्वेस्टमेंट है, सॉरी गाइस सॉरी, 40,000 वाला इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब कैश फ्लो कितना दे रखा है,
कैश फ्लो दिया हुआ है। एट थाउजेंड। ओके, तो 8,000 क्या हो गया ये? राइट, लेट मी जस्ट क्विकली चेक व्हाट डिड जस्ट हैपन। ओके, हम हियर। 8,000 हमारा कैश फ्लो है। डिस्काउंटिंग कितने रुपए के हिसाब से? 12% के हिसाब से। हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स। ये हमने कैलकुलेट कर चुका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, यहाँ मेरे का एम का निशान दिख रहा है, पहले सेट आऊंगी। दो बार MRC और एक बार AC। अब 1/1.12 इक्वल्स टू एम प्लस 1 बारी हुआ, ऐसे 10 बार ही करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड MRC, इट कम्स टू 8,000 इंटू 5.650। अब इसे 8,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 45,201। यस, अब इसमें से अगर ये माइनस कर देते हैं हम, 12% के हिसाब से है ना डिस्काउंटिंग, तो क्या आएगा? या 5,201 ये है ना, और इसको अप्रोक्स करके यहाँ पे 52,000। ऐसे ही अगर ये तो हमारा एक्सपेक्टेड सिनेरियो था, अगर मैं बोलती हूँ और पेसिमिस्ट सिनेरियो देखते हैं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट में क्या है, 40,000 नहीं है, 48,000 है। 48,000 में से माइनस कर देंगे 45,201 या 45,200, इसको ऐसे ले लेते हैं। 45,200 माइनस 48,000, 2,800। देखो 2,800 आ गया ना, यहाँ 2,800 आया। इसी तरीके से 8,000 की जगह 36,000 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 36, ये हमारा ऑप्टिमिस्टिक जो हुआ, 36,000 में से माइनस करो 45,200 में से 36,000 माइनस करो, ये तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ए है ये बी है, मैं बी में से ए माइनस करना होता है। कितना हुआ? 45,200 माइनस 36,000, 9,200। ओके, 9,200। ओके, तो आप ऐसे एनपीवी निकाल लेंगे हर बारी कि आपका इनफ्लो कितना है, ठीक है, और आपका आउटफ्लो कितना है, और डिस्काउंटिंग और रखी होगी जैसे मैंने आपके यहाँ पे करके दिखाया, ऐसे और हो जाएगा। चलो एक और भाई एक और करके दिखा देती हूँ, सेल्स का भी करके दिखा देती हूँ। वही सेल्स का कर लेते हैं। सेल्स का कैसे हो जाएगा? 30,000 हमारा सेल है। ओके, अब एक्सपेक्टेड है 36 और 42,000। यस, हाउ विल यू कैलकुलेट गाइस? हाउ विल यू कैलकुलेट द एनपीवी? लाइक सिंपली जो भी हमारी डिस्काउंटिंग है उसके साथ कर देंगे। कितना है? 8,000 है कैश फ्लो, कैश फ्लो नहीं, हम सेल्स के साथ करेंगे। सेल्स 36,000 है, 36,000 पर ईयर है ना, एंड 42,000। ओके, करें 1/1.12 इक्वल्स टू एम प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MRC इंटू 36,000 या 2,03,408 माइनस
जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके देखिए आप ये देखिए 36,000 में तो एनपीवी सेम ही है. ये देखिए 36,000 में तो एनपीवी सेम ही है, मतलब कि जो यहाँ पर था वही है बाकी सब जगह भी. बट ये कैसे चेंज हुआ, हाउ डिड दिस चेंज, आई टेल यू हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस एज वेल एज दिस जस्ट हम इन अ मोमेंट. सो गाइज इट सीम्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द चार्ट. ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, स्पेशली ये एनपीवी एक्सपेक्टेड सेम है. तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ क्या गलती है. ओके लेट मी जस्ट क्विकली शो यू व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला तो ले लेंगे बट फिर ये वाले नहीं लेंगे. ओके वी विल नॉट टेक दिस बट आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या गड़बड़ है. देखो ये 2,500 नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, हम बोल रहे हैं सेल, हम पेसिमिस्टिक सिचुएशन में है. ठीक है, 30,000 हमारा सेल है, 70,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 70% ऑफ 30,000. 30,000 का 70% इज 21,000, 000. ठीक है, और इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देती हूँ जो कि है, या फिक्स कॉस्ट इन दोनों में इसमें और इसमें ऐड कर देती हूँ, अगर मैं फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 2,600. ओके तो ये अमाउंट आता है 2,3,600. ओके अब सेल थी हमारे पास 30,000, तो ये 6,400 आता है हमारे पास जो बचा सेल्स में से, जो कटा सेल्स में फिक्स कॉस्ट बची, कट के आया 6,400 रुपीज. तो 6,400 रुपीज इज योर इनफ्लो, करेक्ट. अब इस इनफ्लो में से आप माइनस करोगे ₹2,600 गया ना मैंने, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 4,800 का. ये 1,600 आना चाहिए. कैसे 1,600 जैसी बात हो रखी है कहीं पे भी? नहीं 1,600 भी नहीं. देखो अब क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट आया, सॉरी 6,400 आया इनफ्लो, अब इसको 12% के हिसाब से डिस्काउंट कीजिए फॉर 10 ईयर्स. ओके तो क्या हुआ, 1/1.12 = m+1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MRC हुआ 5,650 × 6,400. ये बना 3,6,160. 3,6,160 में से ये माइनस करते हो, नहीं सेम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है इस केस में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 48,000. ये 11,840 आ रहा है. ऐसी कोई बातचीत यहाँ पर हो ही नहीं रखी है, हो रखी है क्या यहाँ पे, ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रखी है. समथिंग इज रॉन्ग इन हेयर. तो मैं ये वाला काट रही हूँ चार्ट. ओके फर्स्ट इज फाइन बट बाकी सारी जगह कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है. ओके तो हम एक मैकमिलन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. ओके चलिए इन जनरल की इनसाइट समझते हैं. हायर इन्वेस्टमेंट विल लीड टू नेगेटिव एनपीवी. ये भी आप नहीं समझ पाएंगे जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो चीजें समझ में आएगी. ओके तो हमारे पास एक क्वेश्चन है मैकमिलन का. इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4,400 करोड़. आई होप ऑडियो वीडियो सही चल रही है. हाँ
इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 400 करोड़ की, सेल्स हो रखी है 5 करोड़ की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 500 करोड़, तो टोटल सेल्स हुई 500 करोड़, ये आपकी सेल्स हो गई। ओके जी, फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट होती है 5 करोड़ इंटू 50 इक्वल्स टू 250 करोड़। ओके, फिक्स कॉस्ट 50 करोड़ दे रखी है, डिस्काउंटिंग 6% के हिसाब से करना है। अब आपको एनपीवी निकालना है, टैक्स रेट 0 बोल रखा है। फिर ये तो का एक बार निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, इसको निकालते हैं। ये देखेंगे 1 डिवाइड बाय 1.06 कितने ईयर के लिए, ईयर मेंशन किया है क्या? 3 इयर्स, ईयर 3 साल के लिए, फॉर 3 इयर्स। तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल्स टू एम प्लस 1, 2, 3 एम आर सी, ये हुआ 2.673। ओके, 2.673 को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? आपको पहले वो निकालना पड़ेगा कितना आपका इनकम है ना। कैसे निकालोगे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे। सेल्स आ गया 500 करोड़ की है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 250 करोड़ की है, और वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट 50 करोड़ की है। इतना हुआ 500 माइनस 300 इक्वल्स टू 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ के हिसाब से 200 करोड़ को 2.673 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 534.602। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 400 करोड़ की, 400 माइनस कर देते हैं, एनपीवी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, हमारा एनपीवी हो जाएगा। ठीक है, देखो यही आ रहा है ना, 134.60, यही हमने कैलकुलेट किया है। आसान था, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें, इजी बात बताई मैंने आपको। चलिए, अब बोल रहा है नेगेटिव सिनेरियो, एडवर्स कर दो, माइनस 2.5% एडवर्स कर दो, मतलब सेल को कम कर दो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, खर्चे को बढ़ा दो, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। ठीक है, जब वो आप इम्पैक्ट डालोगे ना बेस पे जब इम्पैक्ट डालोगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर 2.5% 400 की 400 थी ना, 400 2.5% बढ़ा दोगे, ठीक है, 400 का 2.5% बढ़ गया तो ये 410 हो जाएगा, इसलिए 410 लिया हुआ है यहाँ पर, 410 रुपये लिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कम कर देंगे, 100 रुपये था पहले सेलिंग प्राइस, अब 97.5 हो जाएगा, 2.5 से कम करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 50 था, मैं 2.5% ऐड करती हूँ, 51.25 हो जाएगा। यस, ऐसे ही फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी और यूनिट सोल्ड जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो सिनारियों में वैल्यू डालते जाओ और आंसर पाते जाओ। ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा था, इसी में ही डालते जाओ और आंसर निकालते जाओ। एक बार आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो पता चल गया तो 6% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करेंगे और एनपीवी निकाल देंगे। यस, दिस इज हाउ योर एनपीवी कम्स इनटू पिक्चर। सिनेरियो एनालिसिस, ये तो माना था, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ऐसे मेरे पास सिनेरियो एनालिसिस भी है। सिनेरियो एनालिसिस एक्सटेंशन है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, आपसे पूछ लेते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस सिनेरियो एनालिसिस का एक्सटेंशन है? नहीं, इट इज अदर वे राउंड, सिनेरियो एनालिसिस एक्सटेंशन है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, पहले सेंसिटिविटी है फिर सिनेरियो है, तो मतलब सेंसिटिविटी कर चुके होंगे, उसको एक्सटेंड करते हुए सिनेरियो एनालिसिस बात कर रहा होगा, जहां पे खाली एक वेरिएबल को एक समय में नहीं चेंज करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स इकट्ठे चेंज हो जाएंगे। पेसिमिस्टिक में सब कुछ, ऑल द वेरिएबल्स आर नेगेटिव, ऑल,
ऐसे ऑप्टिमिस्टिक में सारे ही बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएंगे, बाकी नॉर्मल जो मोस्ट लाइकली है वो तो एक्सपेक्टेड रहेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल, वर्स्ट सिनेरियो में कैश फ्लो है फर्स्ट ईयर में 4,50,000, 4 लाख, 7 लाख, ये हमारे पास 1 to 3 years दे रखे हैं, मोस्ट लाइकली दे रखा है, ऐसे ही बेस्ट केस भी दिया हुआ है। आपको एनपीवी निकालना आता है, कैसे निकालोगे? फर्स्ट ईयर में 4,50,000, फिर 4 लाख, फिर 7 लाख, एनपीवी क्या हो जाएगा? हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट एनपीवी? एनपीवी में पता है जो भी डिस्काउंट रेट होगा, 9% मान लेते हैं, इस केस में 9% दे रखा है, लेट्स से 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, ओके, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस इक्वल्स टू एम प्लस, 3 बार करके एमआरसी किया, 3 इयर्स आ गया, जो भी आया होगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे अमाउंट के साथ, एनी वन सॉर्टेड। आया गाइस समझ में? 1 डिवाइड बाय 1.09 इक्वल्स टू एम प्लस 1, 2, 3 एमआरसी इंटू 45 लाख, ये बना 1,139,082.5। माइनस कितना करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेंशन ही नहीं करी हुई है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो माइनस करनी पड़ेगी ना दोस्तों, अगेन यहाँ पे डेटा मिसिंग है, डेटा होना बहुत जरूरी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे तुम कैसे हो, क्या माइनस करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो माइनस करेंगे इंडिविजुअली में, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, और जहां पे सबसे ज्यादा एनपीवी होगा उसको चूज कर लेंगे, हमारा लॉजिक यही बोलता है, ठीक है। अब ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे निकाल लेंगे आप हम समझते हैं 1 डिवाइड बाय 1.09 है यहाँ पर, 3 साल के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, उससे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सर्टेनिटी इक्वालेंट अप्रोच, सर्टेनिटी इक्वालेंट अप्रोच क्या है? सर्टेनिटी इक्वालेंट अप्रोच है गारंटीड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, इतने वैसे तो आ ही जाएंगे, मतलब रिस्क को एडजस्ट करके सर्टेनिटी इक्वालेंट कोएफिशिएंट, इतने पैसे आ ही जाएंगे। इट इज यूज इन डिसीजन मेकिंग पर्टिकुलरली अंडर अनसर्टेनिटी टू एडजस्ट फॉर रिस्क, इसमें इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्टिंग अनसर्टेन फ्यूचर कैश फ्लोज इंटू गारंटीड अमाउंट टूडे, जो अनसर्टेन है फ्यूचर में उसे आज हमने गारंटी कहीं ना कहीं कर लिया है। यहाँ पर बेसिकली द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेनिटी इक्वालेंट कोफिशियंट, जो रिफ्लेक्ट करता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दैट कंपनसेट फॉर अनसर्टेनिटी अगर फ्यूचर में कोई, तो गारंटीड इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस क्यों सही नहीं है इसे आप एक बार रीड लगा लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनेरियो एनालिसिस, में क्या सिनेरियोस होते हैं? वर्स्ट सिनेरियो भी होता है, बेस सिनेरियो भी होता है, बेस्ट सिनेरियो भी होता है, सारे ही होते हैं ना, चारों चारों एनालिसिस करते हैं अपन, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ओके। हमारे पास ऐसी कुछ दे रखा है ना, जैसे भी हमने क्वेश्चन देखा वैसा सही कुछ है, क्या बोल रहे हैं हम, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, घट गई तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेल्स घट गई तो नेगेटिव हो जाएगा, बढ़ गई तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, कम हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही सब जगह चलते 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 हमारे पास इंडिविजुअली कैश फ्लोज आ गए। एनुअल कैश फ्लोज पता चल गए, एनुअल कैश फ्लोज पता चल गए ना दोस्तों, हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी पता है हमारे को, ओके, 12% के हिसाब से। अब ये सही, यहाँ पर सही सिनेरियो है, जो हमने पीछे क्वेश्चन था वहां पे कुछ गड़बड़ थी, अब यहाँ पर हमारे को सही सिनेरियो दिख रहा है तो हम सही आंसर निकाल पाएंगे। 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल्स टू एम प्लस कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, एंड एम आर सी करिए इसको, बस ध्यान दीजिएगे ऊपर एम का बटन नहीं होना चाहिए, अगर है तो हटा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एम आर सी, तो यह आया आपका 5.650, ओके। अब इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल कैश फ्लो से, 5860। ये बना आपके पास 33109 में से आप माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 48,000। ये आया 14891 अप्रोक्सीमेटली टू व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन। ये हमारे पास हुआ पेसिमिस्ट सिचुएशन में। ऐसे ही अगर मुझे ऑप्टिमिस्ट सिचुएशन में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 5.650 इंटू 9940। ये बना 56161। इसमें से 48,000 माइनस कर दो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 36,000 माइनस कर दो तो ये बन गया 20,161 रुपये। बट होना तो ऐसे ही चाहिए ना दोस्तों। एनुअल कैश फ्लो हमारे पास ये है, 12% के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है। हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये तो हमने पीछे करके देखा था। दोबारा से टेंशन, कोई टेंशन नहीं, दोबारा कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा हमारे पास ये आया 9940 1 / 1.12 इक्वल्स टू 10+1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 9940 5616 3 आ रहा है। चलो 3 ले लेते हैं। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही करोगे ना? भाई मेरा आंसर तो 20,163 आ रहा है। आपका क्या आ रहा है मुझे बताइए? क्या आपका डिफरेंट आ रहा है मेरे से? यहाँ पे करें तो बीच वाले में करें तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.650 विच बिकम्स 45,200। 45,200 को 40,000 माइनस करते हैं तो 5,200। ये आंसर गलत है। आंसर शुड बी 20,163। अगर आपका यही आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बट माई आंसर इज दिस एंड आई थिंक इट इज राइट। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे। XYZ प्रोजेक्ट टेम में पैसे डालने की सोच रहा है। इनिशियल आउटले है 14,00,000 रुपए, 3 इनफ्लोज हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में, वर्स्ट मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट। ओके आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% बोलनी है, मतलब डिस्काउंटिंग जो हो रहा है वो होना है 1/1.09 के हिसाब से। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। यस तो कैलकुलेट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेट कर देंगे हम, एक तो कैलकुलेट करना आता है, हम शॉर्ट फॉर्म से भी जाएंगे तभी भी कर देंगे। 2.5 2.531 ये 9% के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए है। ओके इंडिविजुअली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। जैसे हमारा इनफ्लो कितना है ईयर वन में टेबल ही बनाएंगे और आंसर निकालेंगे, टेबल में करते हैं। ठीक है तो यह हमारे पास ये अमाउंट आया 3 ईयर्स के लिए 2.531 450 इंटू 2.531 इक्वल्स टू 4001 इक्वल्स टू 1012.4। इसी तरीके से 700 × 2.531 इक्वल्स टू 1771.7। अब इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं
ये थाउजेंड्स में है ना, तो यहां से भी 3 हटा देते हैं, माइनस 1400 करते हैं, 1400 करते हैं, यहाँ भी 1400 करते हैं माइनस, क्योंकि ये तीन से तीन काट रही हूँ मैं। ये बन जाएगा 138.95, ये बन जाएगा, ये माइनस में होगा ना इस 1400 में से, हाँ ये माइनस कर रहे हैं हम, तो ये माइनस में फिगर आएगी। टू सिक्स टू माइनस 1400 में से माइनस किया 1012.2, थर्ड 7.6, 1400 में 371, क्या यही आ रहा है? फोर फिफ्टी वर्स्ट केस में ना 110 कैसे आया? ओके गाइस, माय मिस्टेक। व्हाई व्हाई माय मिस्टेक? क्योंकि मैंने ये इंडिविजुअली को, मैं हरे हरे 2.531 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, बट ये तो ईयर वन का है ना, सेम अमाउंट तो नहीं है हर साल, तो हर साल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर साल जैसे इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे ही, इसके साथ इसके साथ और इसके साथ ऐसे ही, इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, ठीक है ना? इसको हटा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा मेरे से क्या गलती हुई। मैंने एक ही अमाउंट ले लिया, एक ही अमाउंट थोड़ी ना, हर साल तो डिफरेंट अमाउंट है, हर साल डिफरेंट अमाउंट है ना, 3 इयर्स कैसे ले सकती हूँ फिर मैं? 3 इयर्स कैसे ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना, बस इसी वजह से हाँ, फिर आंसर निकाल देंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट शोज द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद ईच अदर ईच आउटकम। इट टेल्स द यूजर हाउ मच क्रिटिकल ईच इनपुट इज फॉर द आउटपुट वैल्यू। इट ऑल्सो अलाउज टू कैलकुलेट द प्रोबेबल रिजल्ट अंडर डिफरेंट सिनेरियोज एंड द रिजल्ट्स ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। आंसर इज बी आउटपुट। इट टेल्स द यूजर कि एक पॉइंट कितना ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है, अगर यहाँ पे इतना छोटा सा भी चेंज हुआ नेगेटिव या पॉजिटिव तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ओके बाकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। जब रिस्क हाई होती है तो कैश फ्लो अंडर सर्टिनिटी इक्विवेलेंट इज, रिस्क हाई है तो कम होएगा, इनफ्लो कम होगा। यस को सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट एक ऐसा फैक्टर है जो यूज किया जाता है फ्यूचर कैश फ्लो रिस्क को एड्रेस करने के लिए। जब रिस्क ज्यादा है तो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्ट करता है फ्यूचर का कैश फ्लो डाउनवर्ड टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज अनसर्टिनिटी और रिस्क, तो लोअर कैश इनफ्लोज दिखाता है। बाकी क्यों नहीं है पढ़ सकते हैं। रिस्क अराइजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज मार्केट रिस्क, कॉम्पिटिशन रिस्क, इंटरनेशनल रिस्क, सबसे ही आ सकती है, और चारों इन तीनों के बारे में पीछे बात भी करिए। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्रोजेक्ट विद द शॉर्टर पी बैक, पे बैक पीरियड, पे बैक अगर पीरियड कम है मतलब कम रिस्क है, कम रिस्क है मतलब ज्यादा नहीं कम रिस्क होगी ना, इट कैरीज लेस रिस्क, और ये लिखा हुआ है कम कम शॉर्टर पे बैक पीरियड है तो रिस्क कम है, सिंपल यही बात मैंने बोली थी, ये लिखी हुई है। ओके द वर्ड कैपिटल बजटिंग इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट जनरली, यस दैट्स ट्रू स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस? द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स कैन मूव ईदर वे That pulls all our present estimates and projects on our investment to jeopardy. That's correct.
The variable and important components of capital budget are cost, revenue, and net profits. That's also correct. Sensitivity analysis aims to assess the impact of changes in each of the important variables on our projections or estimates, or all of the above. All of these are correct. Yes. This method is an extension and step forward of sensitivity analysis. Scenario analysis is step forward. Take care. Yeah. Decision tree analysis, last topic है. Decision tree analysis graphical method है किसी decision तक पहुंचने का. यानी corporate को बताता है visualization करते हुए कि ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके. It represents options or courses of action, branches. Notes represent करता है outcome of the decision. Okay. ये option, ये branches है और ये node है. ठीक है ना. जैसे एक एनपीवी है 5 लाख विद प्रोबेबिलिटी 40%, 4 लाख विद प्रोबेबिलिटी 40%. अपन दो प्रोजेक्ट हो जाएंगे अगर अनसर्टेनिटीज है तो. आप टेबल बनाएंगे ग्राफिकली. एक साइड 40 प्रोजेक्ट ए, दूसरी साइड प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट ए में एनपीवी 5 लाख पे 40% है और 4 लाख पे भी 40% है. या तो इसको चेंज कर लेते हैं 60%. तो जहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो लेंगे, ऑफ कोर्स चाहे पैसे कम भी हो. कैलकुलेट करना होगा तो ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, खत्म. ओके चलिए गाइस, विद दिस वी आर डन. ओके वी आर डन विद चैप्टर 11. आई होप आपको बातें समझ में आई. सिर्फ एक कन्फ्यूजन मेरी तरफ से रहा जो मैंने क्लियर कर दिया. अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ ताकि आप अपॉइंटर कभी भी नेगेटिव तरीके से ब्रेन में ना रिटेन हो. मैंने क्या कर दिया था, गलती से 3 इयर्स का सेम एनुअल आउट इनफ्लो ले लिया था. बट दैट इज नॉट करेक्ट क्योंकि यहाँ पे तीनों साल के अलग अलग पॉइंट, अलग अलग रुपए हैं. अलग अलग कैसे निकालेंगे, हाउ विल कैलकुलेट डिफरेंट एवरी ईयर. 450, 400, 700. ठीक है, ये ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं. और अगर डिस्काउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो 1 divided by 1.09 = 0.917 = 0.841 या 2 बोल देते हैं क्योंकि 6 है नेक्स्ट. और ये 0.772 आप मल्टीप्लाई कीजिए 450 × 0.917 = 412.65 0.842 × 400 336.8 0.772 × 700 540.4. ये हमारा फर्स्ट ईयर का आया है. सो ये हमारा वर्स्ट सिनेरियो में आया, वर्स्ट सिनेरियो. ये बना 1289.85. इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1400. 110.15 और यही आंसर आया हुआ है. लिख रहा है आपको, इसी तरह से मोस्ट लाइकली निकालेंगे. ये सेम रहेगा, दिस रिमेन सेम. ईयर यहाँ पे 400 यहाँ पे 550 यहाँ पे 450 और यहाँ 800 हो जाएगा. फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए. जो भी टोटल आएगा उसमें से माइनस कर दीजिए 1400 एंड यू गेट द आंसर. इसी तरीके से बेस्ट सिनेरियो में भी 650, 500 और 900 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.917, 0.842, 0.77. आई होप आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी अभी तक तो. ठीक है, विद दिस गाइस वी आर डन. ओके आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. यूनिट 12 करेंगे और मॉड्यूल भी हो जाएगा खत्म. बहुत आसान मॉड्यूल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन डियर बैंकर्स, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम मधुशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.